बताते चले कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बीभत्स घटना को लेकर डॉक्टरों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी पटना की बात की जाए तो दो दिन से जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है और बीते दिनों से ही सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई है। इसी क्रम में पटना के कारगिल चौक पर हजारों की संख्या में डॉक्टर पहुंचे जिनके हाथों में तख्तियां थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सभी डॉक्टरों ने एक और से हत्यारे को फांसी देने की बात कही तो सरकार से भी ये भी अपील की कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन लॉ लाकर डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए क्योंकि जब तक सुरक्षा नहीं तब तक ड्यूटी नहीं। देखिए 9 तारीख को मगरबी बंगाल में पीजी स्कॉलर लेडी डॉक्टर हमारी बहन की गैंगरेप के बाद जिस तरह से मर्मम हत्या की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। हम तमाम बिहार के मेडिकल ऑफिसर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर और छात्र छात्राओं के साथ माध्यम से सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि निकट भविष्य में इस तरह की कभी कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। दूसरी बात यह है कि मेडिकल प्रोटेक्ट एक्ट की हम लोग लागू करने की मांग इसलिए करते हैं ताकि उसके माध्यम से जितने भी हमारे प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हों, एडिटर हों, नर्स हों, चाहे कंपाउंडर हों, इन तमाम के हित अधिकार की हिफाजत हो सके, इन तमाम के हित अधिकार को पूरा किया जा सके और ऐसे जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जो भी हत्यारे हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ करके इसकी सजा दी जा सके ताकि बंगाल में जो हमारी बहन के साथ जो मामला हुआ है, जो केस हुआ है, उनको मर्मम हत्या की गई है, ऐसे लोगों को पकड़ करके जल्द से जल्द सजा देने की कोशिश किया है।